फ्रेंड्स, अगर आपको ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो फ्रेंड्स अब आपको भोपाल जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये न्यू अपडेट आया है, अब आपको भोपाल जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये न्यू अपडेट है। मेरी डिपार्टमेंट्स वालों से बात हुई थी, उनने मुझे ये बताया है कि अब आपको भोपाल जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वो ऑफलाइन प्रोसेस थी, लेकिन अब न्यू अपडेट ये आया है कि आप ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सी वेबसाइट होती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप मिस कर देंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें आप मिस कर देंगे जिससे आपको रजिस्ट्रेशन करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं ऑनलाइन प्रोसेस के लिए। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रोसेस क्या होती है। फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रोसेस और ऑफलाइन प्रोसेस दोनों ही सेम है, डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को सेम ही लगते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट ये है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप किसी भी CA से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा, फर्म का नाम आपके पास होना चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड होना चाहिए, फर्म का GST नंबर होना चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट्स मैंने लिख के रखे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा और आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बार बार आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट दोस्तों देख लेना। सबसे पहले देखिए, कंपनी का नाम आपके पास होना चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। सेकंड, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, किसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर। थर्ड, रजिस्ट्रेशन डेट होनी चाहिए। फोर्थ, पैन नंबर होना चाहिए, किसका, कंपनी का, यानी पैन कार्ड एक बनता है कंपनी का, जैसे पर्सनल अपना पैन कार्ड बनता है ना, वैसे ही कंपनी का भी एक पैन कार्ड बनता है, ठीक है। और GST नंबर होना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग नोट करते जाइए, फर्स्ट मैंने क्या बताया था, कंपनी का नाम होना चाहिए, सेकंड रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन डेट भी होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, और GST नंबर होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहले इसका रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए कंपनी का, उसके बाद आप फॉर्म के लिए अप्लाई करिए। अब फ्रेंड्स देखिए, आप डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करना है ये भी सुन लीजिए, ठीक है, देखते जाइए। विद्युत ठेकेदार संस्थान के अधिकृत व्यक्ति का स्वयं घोषणा पत्र, ठीक है, विद्युत ठेकेदार संस्थान के अधिकृत व्यक्ति का स्वयं घोषणा पत्र, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश कार्यालय का एड्रेस प्रूफ, कौन से कार्यालय का, जहाँ पर जिस भी रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे ना, जिस भी, यानी जो अपनी अपने विद्युत मंडल में जो कंपनियाँ चलती हैं, जैसे आप जहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, मान लो मैं जबलपुर में करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं एड्रेस किसका, एड्रेस प्रूफ कहाँ का दूंगा, जबलपुर के विद्युत मंडल का दूंगा, ठीक है, जबलपुर जोन का दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट है, प्रधान कार्यालय का एड्रेस प्रूफ, यानी वो सब डिवीज़न होगा और उसके ऊपर भी कोई डिवीज़न होगा तो वहाँ का एड्रेस प्रूफ, ठीक है। प्राधिकार पत्र भी होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है, पंजीयन प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, ठेकेदार या उसके अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर नमूना नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। यानी जैसे ठेकेदार मैं हूँ, ठीक है, और मैं ही सुपरवाइज़र हूँ, ठीक है, यानी सब कुछ मेरा ही है, तो मेरे वहाँ पर सिग्नेचर रहेंगे, वो नोटरी से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है,
पर्यवेक्षक के कार्य अवधि के अंतराल का प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी सुपरवाइजरी की, ठीक है। अब नेक्स्ट है उपकरणों की जांच, कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं वो भी मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। और उपकरणों का बिल, यानी जो भी इक्विपमेंट आप खरीदेंगे, ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा आपको कौन कौन से इक्विपमेंट परचेज करना है और उसका क्या है बिल भी लगता है, और उपकरणों की जांच का प्रमाण पत्र वो आपको कौन बना के देगा, वो आपको असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह बना के दे देगा, एक लेटर हेड पे वो लिख देते हैं कि हाँ भाई आपके जो इक्विपमेंट है प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, ये कैलिब्रेटेड हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले अरेंज करनी है, उसके बाद आपको, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी है, लेकिन पहले आप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए किसी भी सीए से, देन आफ्टर आप अप्लाई करिए रजिस्ट्रेशन के लिए ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब देखिए आपको इक्विपमेंट कौन कौन से परचेज करना है फ्रेंड, इंसुलेशन टेस्टर 500 वोल्ट का, आप लोग जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए। सेकेंड है पोर्टेबल एमीटर 6 इंच डाया का 0 to 50 एम्पियर तक जो मेज़र करे, ठीक है। अब नेक्स्ट है पोर्टेबल वोल्ट मीटर 6 इंच डाया का जो कि 0 to 500 वोल्ट मेज़र करे। नेक्स्ट है अर्थ रेजिस्टिविटी टेस्टर 4 टर्मिनल वाला, यानी 4 टर्मिनल वाला अर्थ रेजिस्टिविटी टेस्टर। फ्रेंड्स ये जो 4 इक्विपमेंट है ये आपको परचेज करना है और इसका बिल भी आपको ले लेना है साथ में इसको, ठीक है, इसको कैलिब्रेशन का जो इस उपकरणों की जांच का जो सर्टिफिकेट जो भी आपको बनवाना है वो आपका विद्युत मंडल के डिपार्टमेंट आप जाएंगे उसको वो बना के दे देते हैं। तो फ्रेंड्स पहले सबसे पहले आप ये अरेंज करिए, ठीक है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप अपनी उसके लिए अप्लाई करिए। तो फ्रेंड्स बात यह आ जाती है कि ये जो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं जैसे विद्युत ठेकेदार संस्थान के अधिकृत व्यक्ति का स्वयं घोषणा पत्र, ठीक है, ये आप इसका फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, फ्रेंड्स फॉर्मेट कहाँ मिलेगा मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स चलता हूँ मैं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, तो वहाँ पर आपको ये भी बता दूंगा कि रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रोसेस और वेबसाइट क्या होती है, साथ में आपको ये भी बता दूंगा कि ये इसका जो फॉर्मेट है जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं इसके फॉर्मेट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलता हूँ मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो सबसे पहले अपन को गूगल ओपन कर लेना है। देखिए अपन गूगल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आपको टाइप करना है MP ई सर्विस, MP ई सर्विस अपन को टाइप करना है, ठीक है। चलिए अपन ने टाइप कर लिया है MP ई सर्विस टाइप करने के बाद एंटर मार देना है। एंटर करने के बाद ये देखिए फर्स्ट जो लिंक है ना MP ई सर्विसेज, ठीक है, इस पर अपन को क्लिक कर देना है तो ये वेबसाइट ओपन होके आएगी। तो यहीं पर अपन को फॉर्म मिल जाएगा ए क्लास इलेक्ट्रिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करने का। ये देखिए विद्युत ठेकेदार लाइसेंस, ठीक है, आवेदन हेतु, ठीक है, क्लिक करें तो इस पर अपन को क्लिक कर देना है। जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो ये एक पेज ओपन होके आएगा। तो इसमें क्या होता है अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड यानी आपने बनाया है तब तो बढ़िया है, नहीं बनाया है तो नीचे जो एक ऑप्शन है नया यूज़र आईडी पासवर्ड बना, देखिए ये यहाँ पर ये ऑप्शन होता है इसमें अगर क्लिक कर देंगे तो ये नया आप बना सकते हो यहाँ से, लेकिन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद ये जो कैप्चर जो आया है ना नीचे जो कैप्चर दिख रहा है उस कैप्चर में आप लोगों को क्लिक कर देना है। सॉरी कैप्चर डालने के बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये सारा फॉर्म अब ओपन यहाँ से हो जाएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर विद्युत ठेकेदार एक अब नीचे एक ऑप्शन आएगा, इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे विद्युत ठेकेदार लाइसेंसिंग आवेदन, ठीक है। ये जो ये देखिए यही वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर आवेदन करें इसमें अपन को क्लिक कर देना। जैसे ही अपन इसमें क्लिक करेंगे तो एक पेज ऐसा ओपन होके आएगा और देखिए यहीं से आपको एप्लीकेशन
का फॉर्म आपको फिल कर देना है। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगी। देखिए ये फर्स्ट है, यानी चार पांच इसके स्टेप होते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप देखिए ये है, इसमें मैं क्लिक करूँगा, ये सेकेंड स्टेप है। इसमें आपको ईमेल आईडी, उम्र और ये सब डालना है, कितना क्या है आपका, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और पर्यवेक्षक अगर आप हैं तो वो डालना है, कौन पर्यवेक्षक है आपका, या आप खुद हैं तो वो भी डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है ये, है ना। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगी। अब सेकेंड है, देखिए लास्ट है अपना, यहाँ पर है ना जो ये सारे फॉर्म आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, ठीक है। सारे फॉर्म आपको यहीं पर अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। फ़ोटो, सिग्नेचर, ये विद्युत ठेकेदार जितने भी फॉर्म हैं ये अपलोड करेंगे अब फ्रेंड। लेकिन बात यह आ जाती है कि आपको ये जो फॉर्म है कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि ये फॉर्म आपको कहाँ से अपलोड करेंगे। क्या होता है, सारा फॉर्म आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, उसका प्रिंट निकाल के उसको फॉर्म भरेंगे, फिर यहाँ पर चूज फाइल में जाके अपलोड करना होगा। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ये फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। देखिए यहाँ पर अपन को क्या डाल देना है, एमपी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है एमपी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट, जो ये नीचे वाली जो लिंक आ रही है ना चीफ इंजीनियर वाली, यहाँ पर अपन को क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक पेज ओपन होके आ जाएगा, ये देखिए। यहाँ पर अपन को जाना है लाइसेंसिंग बोर्ड में। जैसे ही अपन लाइसेंसिंग बोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर्मेट के ऑप्शन में देखिए यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा आपको, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ए क्लास विद्युत ठेकेदार आवेदन पत्र, ठीक है। ये देखिए दस्तावेज देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ये देखिए फ्रेंड्स। देखिए यही फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, भरना है, उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। फ्रेंड्स मेरी चैनल की प्लेलिस्ट भी आप ज़रूर विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है कि आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर कैसे बन सकते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होती है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको फॉर्म भरना है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुकी है कहाँ से फॉर्म भरना है, ठीक है, कहाँ से ये डाउनलोड करना है। और फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में अगर आपको ये डाउनलोड नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी इस फॉर्म का लिंक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिनको उनको भी नॉलेज मिल सके कि ए क्लास इलेक्ट्रिकल की ऑनलाइन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना इस आइकन को प्रेस करके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और फ्रेंड्स ये वाली जो प्लेलिस्ट है इस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करना, क्योंकि उसमें मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।